हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है इस्लाम धर्म। दोस्तों, इस्लाम धर्म से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो डेली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, किसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जैब्रियल जो थे, उन्होंने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, 8 जून 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन दो पंथों में विभाजित हो गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सुन्नी और सिया। जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो इस्लाम था, दो पंथों में, एक सुन्नी और एक सिया में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, खलीफा। जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, वो खलीफा कहलाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खलीफा का पद कब और किसने समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर पीएससी हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम धर्म से, तो इसे आप अच्छे से देख लें कि खलीफा का पद कब और किसने समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर है, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा का पद समाप्त किया। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इवन इशाक। जो इवन इशाक थे, उसने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। दोस्तों, इस्लाम धर्म से संबंधित हमारे क्वेश्चंस आज यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, बस इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस छोटा सा टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कर लें, ताकि कोई मिस्टेक्स के चांस ना रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।